वीवो V29 भाई इंडिया में लॉन्च हो चुका है भाई। अपने इस फोन का ना हर जगह एड पोस्टर देख लिया, जैसे कि 5000 mAh बैटरी, 3D कर्व डिस्प्ले, इतना स्लिम डिजाइन, 50 MP फ्रंट कैमरा और भाई बहुत सारे स्पेक्स। लेकिन देखो इस फोन की ना एक बहुत बड़ी कमी है जिसको हर किसी ने स्किप करा और मैं वही आज आपको बताने वाला हूँ। इस फोन को मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ तो इसका ना डिटेल में आज रिव्यू करने वाला है। लेकिन चैनल पर पहली बार है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है अभिनव और आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। अब इस फोन के ना मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे, सबने ना ज्यादातर इसका फर्स्ट इंप्रेशन कर रखा है, लेकिन मैं इस फोन को 7-8 दिन से यूज कर रहा था और मैंने बहुत कुछ इससे एनालाइज करा कि फोन कैसा है एक्चुअली में। तो सबसे पहले देखो डिजाइन एंड बिल्ड, मेरे को फोन का काफी प्रीमियम लगा, सच में काफी लाइट वेट फोन है, जैसा देख पा रहे हो ना बहुत ज्यादा स्लिम भी है। तो मैंने इसको बिना केस के यूज करा और अभी तक मेरे को कोई भी ऐसे स्मजेस या फिर स्क्रैच देखने को नहीं मिला है। कुछ जगह पे फ्रेम्स मेरे को लगा कि हाँ हो सकता है कलर फेड करे, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। तो हाँ आपको बिना केस के भी यूज करोगे तो सही रहेगा, बस कर्व में ना आपको हो सकता है एक्सटेंडेड टचेस हो। जो बटन है ना मैंने एक चीज फील करा उनमें कि यार ये थोड़ा ना उतना सॉलिड फील नहीं करते, ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद में थोड़े और लूज आए, क्योंकि अगर मैं आपको क्लोजअप से दिखाऊंगा ना तो ये थोड़ा लूजली फिट मेरे को लगा है। वैसे बैक साइड पे देखो ना तो इसका टू टोन डिजाइन है और बहुत टाइम बाद मैंने ऐसा देखा कि भाई हाँ आपको रेड कलर का फोन देखने को मिला, मतलब जो एक ना रेड डार्क रेड टाइप इसका कलर है और ऐसा डिजाइन मेरे को हो सकता है आपको पसंद है, मेरे को जनरली ठीक लगा है। अब जब इस फोन में मैं टाइपिंग कर रहा था तब मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा मेरे को नहीं लगा, क्योंकि जो इसके हैप्टिक्स है ना मतलब जो इसका वाइब्रेशन फीडबैक वो इतना अमेजिंग नहीं था। बाकी यार आप देख पा रहे हो फोन इतना ज्यादा स्लिम है तो आपको यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलता, तो आपको यार एक अलग से ना कुछ भी ईयरफोन खरीदने पड़ जाएंगे। प्लस अगर मैं इसके इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूं तो देखो बहुत ही अच्छे पोजीशन पर और काफी अच्छा वर्क करता है। तो ओवरऑल देखो फोन का डिजाइन जो है ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बस एक कमी है जो मैं आपको लास्ट बता रहा हूं कि हाँ कहां पे ये थोड़ा पीछे रह जाता है। अब देखो ठीक है आपने शॉप पे फोन को देखा, आपको देखने में अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, लेकिन देखो भाई बस वहीं पे चीज खत्म नहीं हुआ, तो आपको डिस्प्ले भी अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि जब आप फोन ऑन करते हो तो सबसे ज्यादा आप जो टाइम है स्क्रीन पे ही लगाते हो। और इसका जो डिस्प्ले है ना काफी ज्यादा अच्छा है, आपको 1300 nits का मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है और 120 Hz का AMOLED पैनल है। तो देखो आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी थी और ये बहुत ज्यादा शार्प डिस्प्ले है और हाँ कॉन्टेंट आपको इस पर वॉच करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, जिसका कर्व्ड है ना वो काफी ज्यादा है, तो हो सकता है आपको ना एक्सीडेंटल टचेस लगने लगे। अब देखो इसे कैमरे के बारे में बात करते हैं, आपने भाई एड्स तो देख ही लिए होंगे, आपको हर जगह दिख गया डेलाइट एवरी मोमेंट, इन लोगों का टैगलाइन चल रहा है कि इंडस्ट्री फर्स्ट 50 MP फ्रंट कैमरा, फिर आपको बैक में 64 MP कैमरा देखने मिलता है OIS के साथ। तो देखो ये सब चीजें बहुत अच्छी है और साथ में आपको देखो ये भी देखने को मिल जाएगी भाई इंडियन स्टाइल वेडिंग पोर्ट्रेट, देखो ये सब ना बहुत सारे हाँ फीचर्स होते हैं। लेकिन एक्चुअल में रिजल्ट्स की बात करें तो देखो इसका कैमरा जो ना सच में अच्छा है, जो मैंने से बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करे थे, डायनामिक रेंज, डिटेल्स, कलर सब बहुत अच्छे आते हैं, यहाँ तक कि जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की भी फोटो लोगे तो भाई बहुत अच्छा डिटेल देता है और कलर्स भी बहुत ज्यादा वाइब्रेंट आते हैं। प्लस जो इसका पोर्ट्रेट है मेरे को सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, तो कैमरा सच में इसका काफी अच्छा है। लेकिन हाँ एक चीज मैं बोलूंगा कि जो इसका वीडियो है ना वो इतना अच्छा मेरे को नहीं लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको 4K रिकॉर्डिंग देखने को नहीं मिलता है। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसके अंदर ना आपको 50 MP का ऑटो फोकस कैमरा देखने को मिलता है। हाँ मैं ये बोलूंगा कि ऑटो फोकस ना बहुत ही कम देखने को मिलता है और इसका जो इंडोर शॉट्स भी है ना वो काफी ज्यादा अच्छे हैं और डेलाइट में भी काफी अच्छे फोटोज ले लेता है। तो ओवरऑल देखो अगर आपको सेल्फीज के लिए भी एक अच्छा फोन चाहिए ना तो इसको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो। अब देखो इतना स्लिम फोन था ना तो मेरे को लग रहा था कि यार बैटरी ना पक्का बहुत ही कम होगा, ऐसे 4500 4600, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको 5000 mAh बैटरी देखने को मिलता है, चार्जिंग 44 W की है, थोड़ा ज्यादा और हो सकता था लेकिन कोई बात नहीं, शायद इतना स्लिम फोन है इसलिए इतनी ज्यादा चार्जिंग नहीं दिया, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर ही चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जो बैटरी बैकअप था ना वो इजीली मेरा 1-1.5 दिन चल रहा था। और इसका इतना अच्छा बैटरी बैकअप होने का रीजन जो है मैं आपको बताता हूँ वो कॉन्स में आता है। अब देखो मैंने बोला कि आपको कि ना जो इसका इतना अच्छा बैटरी बैकअप है वो कॉन्स के सेक्शन में क्यों आ जाता है। देखो इसका रीजन क्या है, इसका परफॉर्मेंस, इसके अंदर ना आपको स्नैपड्रैगन 695 देखने को मिलता है जो कि एक 2 साल पुराना चिपसेट है। देखो पुराने प्रोसेसर में मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सारे फोन पुराने प्रोसेसर यूज करते हैं, लेकिन आप एक मिड रेंज चिप को ना अभी भी यूज करो जो कि एक बजट फोन में आने लगा है, तो इसलिए मेरे को इस फोन में दिक्कत लगी। और जो डेली लाइफ में परफॉर्मेंस था ना वो बहुत ज्यादा अमेजिंग नहीं था, मतलब आपका हाँ नॉर्मल टास्क ही इजिली हैंडल कर लेगा आपके सोशल मीडिया एप्स और अगर नॉर्मल आप जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ भी देख रहे हो, लेकिन हाँ ये ना लॉन्ग टर्म में आपको यार जरूर हिट करने वाला, क्योंकि देखो जो स्टोरेज टाइप भी है ना वो UFS 2.2 है। अब इस रेंज के फोन्स में ना आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप देखने को मिलता है। अगर आप मैं स्टोरेज टाइप की बात करूँ देखो जितना नया होता है ना 2.2 काफी पुराना है और इससे क्या होगा ना कि लॉन्ग टर्म में आपके जो एप्स भी है ना बहुत स्लो लोड होंगे। तो देखो जिनको गेमिंग करनी है ना भाई वो तो बिल्कुल दूर हो जाए, इसमें तो बिल्कुल भी आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाली। जैसे मैं आपको सेटिंग्स दिखा पाऊंगा ना बहुत ही मीडियम सेटिंग पे ये गेम रन कर पाता है और ओवरऑल बोलूंगा ना बहुत ही बिलो एवरेज इसका गेमिंग परफॉर्मेंस है। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि अगर आपको प्रोसेसर इतना अच्छा ना हो लेकिन अगर UI बहुत ही ज्यादा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो ना तो फिर परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा आपको अमेजिंग लगता है या फिर बहुत ही फ्लूइड लगता है। और इसके अंदर भी देखो वैसा नहीं है, आपको ना बहुत सारे पहले तो ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएंगे, भर भर के एप्स मिलेंगे, प्लस जो भाई नोटिफिकेशन है ना अभी तो मैंने बहुत सारे क्लियर कर दिए, लिटरली 2 दिन में ना भाई 30 से 35 नोटिफिकेशन आ रखे, तो आपका ना हमेशा नोटिफिकेशन भाई रिंग ही करता रहेगा इनके ब्लोटवेयर से। तो देखो मैंने एक और आपको कमी बताई थी कि इसके अंदर ना 4K रिकॉर्डिंग नहीं है और भाई इसका सबसे बड़ा मतलब जो पॉइंट है ना वो इसके चिपसेट की वजह से, चिपसेट में सपोर्ट नहीं है तो भाई फोन का सपोर्ट करेगा। तो देखो अगर आप कैमरा फोन बोल रहे हो ना तो भाई एटलीस्ट 4K रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, देखो भाई एक आपका कोई बजट फोन नहीं है, अच्छा खासा 25 से 30 हज़ार रुपए लग रहे हैं यूजर के, तो उस हिसाब से भी वहां पे मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूं। और एक और बात भाई, उसके स्पीकर्स है ना इतने बुरे साउंड करते हैं ना, मैंने बहुत ही कम फोन में इतने घटिया स्पीकर सुने थे, एक तो सिंगल स्पीकर और बहुत ज्यादा टिनी साउंड करते हैं, तो भाई अगर आपको फोन पे गाने सुनने का शौक है ना तो भाई छोड़ देना, अपनी ईयरफोन ही लगा लेना।
आपको लग रहा हो कि भाई अगर सिर्फ स्पीकर में कमी करिए तो देखो डिस्प्ले में भी एक बहुत बड़ी कमी वो है कि इसके अंदर ना HDR का सपोर्ट नहीं है। मतलब भाई आप YouTube में भी HDR का वीडियोस नहीं देख सकते। तो भाई इतने महंगे फोन में मैंने ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करी थी। अब देखो इस फोन के प्राइस के बारे में बात करते हैं। 26,999 इसका प्राइस है और हो सकता है आपको कार्ड ऑफर के साथ ये 25,26 तक का मिल जाए। अब उस प्राइस में देखो आपको बहुत सारे फोन मिल जाते हैं ऑनलाइन भी और शायद ऑफलाइन भी। लेकिन इस फोन का एक बहुत ही बड़ा मेजर ड्रॉबैक है जो मैं आपको बता चुका हूं, जो कि है परफॉर्मेंस। हाँ कुछ चीजों में सच में अच्छा है, कैमरा अच्छा होगा, डिस्प्ले अच्छा होगा, लेकिन देखो आपको पता है इस रेंज में ना आपको ये सारी चीजें लगभग हर फोन में मिल जाती है और इसने परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा और खासकर ये लॉन्ग टर्म में ना आपको बहुत दिक्कत दे सकता है। अभी सही चल रहा है लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद ही और स्लो होने लग जाए। तो उस हिसाब से मैं अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन देख रहे हैं मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन हाँ अगर आपको कैमरे के लिए अच्छा फोन चाहिए तो हाँ आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आपको इस फोन रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मेरे कमेंट से पूछ लेना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।